तो दोस्तों जब भी हम एक नॉर्मल सा कॉल करते हैं, कॉल एंड होने के बाद में ही हमारे सामने एक ट्रू कॉलर की एक पॉपअप विंडो खुल जाती है, जो कि यूजुअली दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी दोस्तों जब हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर सकती है। तो इस विंडो को हम कैसे ऑफ कर सकते हैं, हमने ट्रू कॉलर को बंद नहीं करना है, यानी कि ट्रू कॉलर को डिलीट भी नहीं करना है, उसके बावजूद हमें सिर्फ इस विंडो को ऑफ करना है, यानी कि उस विंडो को हमें हमारे सामने नहीं रखना है, यानी कि ट्रू कॉलर उसको बंद कर देगा। तो कैसे कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बस लास्ट तक देखना, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करो, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर दे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और आप देख रहे हो उमेश टेक। तो चलिए इस बेहतरीन वीडियो को शुरू कर दे। तो सिंपली हम ट्रू कॉलर को ओपन कर लेंगे, क्योंकि हमें ट्रू कॉलर को अनइंस्टॉल नहीं करना है, सिर्फ पॉपअप विंडो हमें बंद करनी है। तो ट्रू कॉलर को ओपन करने के बाद में इस तरह से कुछ इंटरफेस हमारे सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे कॉल लॉग वगैरह दिखाएगा, तो ऊपर जो आपको तीन लाइंस दिख रहे हैं तो उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना, जो कि आप डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हो। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में तो इस तरह से एक विंडो हमारे सामने खुल जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद में नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, सेटिंग्स वाला जो ऑप्शन है, तो उसके ऊपर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरह से कुछ इंटरफेस हमारे सामने खुल जाएगा, सारी सेटिंग्स हमारे सामने खुल जाएगी। तो यहाँ पे आपको दोस्तों याद रखना है कॉलर आईडी के ऊपर क्लिक करना है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, कॉलर आईडी के ऊपर ही जाना है। अगर बाकी सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो आपको सिमिलर सेटिंग्स भी मिलेंगे, लेकिन आपको वहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो कॉलर आईडी के ऊपर हमें जाना है। कॉलर आईडी के ऊपर जाने के बाद में इस तरह से कुछ इंटरफेस हमारे सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद में लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो एक्चुअली सभी का ऑन ही रहता है, ऑन होने की वजह से ये हमारे पॉपअप विंडो हमारे सामने आती रहती है। तो इसको अगर हम ऑफ कर दें, ऑफ करने के बाद में हमारे सामने वो विंडो नहीं आएगी। तो ठीक इसी प्रकार से आप इसको ऑफ कर सकते हो। अगर आपकी एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप इसको ऑफ करके रख सकते हो, और एग्ज़ाम होने के बाद में आप सिंपली यहाँ पे आके इसको ऑन भी कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो के लिए लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।